गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। प्रीवियसली हमने कल पढ़ा था जुडिशरी के अंदर PIL के बारे में, है ना, जिसको कि हम कह सकते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। और इसमें हमने क्या देखा था कि जो सुप्रीम कोर्ट होता है उसके पास बहुत सारे केसेस हम डायरेक्ट पहुंचा सकते हैं हाई कोर्ट्स में भी थ्रू ईमेल्स या थ्रू लेटर्स। और हमने ये भी देखा था कि किस किस टाइप के केस वो अभी तक सॉल्व हो चुके हैं PIL के थ्रू, जो कि सिंपली हम कोर्ट में सॉल्व नहीं कर पाते शायद अभी, है ना, क्योंकि जो कोर्ट कचहरी वाला प्रोसेस था वो बहुत लंबा था। और इसीलिए जुडिशरी ने PIL और पीपल कोर्ट्स की स्थापना की, उनको इस्टेब्लिश किया है। और उसमें सुनवाई जो होती है, उसमें जो हियरिंग्स होती हैं लोगों की, वो डायरेक्ट हम उनको एड्रेस कर सकते हैं, उनको उस तक पहुंच सकते हैं। तो जनता यानी कि जो सिटीज़न ऑफ इंडिया है वो आराम से कोर्ट तक पहुंच सके, उनके जो केसेस हैं, उनके जो मुद्दे हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा हियरिंग्स उनकी हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा केसेस की सुनवाई हो सके, वो सॉल्व हो सके। इसीलिए हमने कल देखा था कि देयर आर टू जो है प्रोग्रेशंस विच इज़ डन बाय द जुडिशरी, देवर फर्स्ट वॉज PIL, ठीक है, और सेकेंड वॉज पीपल्स कोर्ट, जिसको हम क्या हिंदी में लोक अदालत कहते हैं, ठीक है। तो कल हमने PIL के बारे में पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे लोक अदालत के बारे में। तो ओपन योर बुक्स एट पेज नंबर 274। ये कह रहे हैं कि लोक अदालत जो होते हैं, द कोर्ट्स हैव ऑल्सो इंस्टीट्यूटेड लोक अदालत वेयर पीपल हैव डायरेक्ट एक्सेस टू द डिसीजन मेकर्स, मोस्टली फॉर रिड्रेसल ऑफ स्पेसिफिक केसेस लाइक इलेक्ट्रिक सप्लाई, टेलीफोन डिपार्टमेंट एट्सेट्रा। तो जो टेलीफोन डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई परेशानियां होती हैं लोगों की, या इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई परेशानियां होती हैं, वो स्पेसिफिकली लोक अदालत में जा सकते हैं ऐसे लोग, और लोक अदालत में उनकी सुनवाई हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा पर्सनल जो इश्यूज़ होते हैं लोगों के, उस पर भी बहुत बार अच्छे अच्छे डिसीजंस दिए गए हैं। तो उससे क्या होता है कि लोग जो होते हैं वो कोर्ट कचहरी के लंबे लंबे प्रोसीजर से बच जाते हैं। अच्छा, ये जो हम लोक अदालत की बात कर रहे हैं, इसको कौन चलाता है, या हम कह सकते हैं कि इसमें कौन ऐसे लोग होते हैं जो हियरिंग्स भी करते हैं और डिसीजंस भी देते हैं, तो वो क्या होते हैं, देखिए, दे आर नॉर्मली हेल्ड बाय द स्टेट और डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़। स्टेट या डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो अथॉरिटीज़ होती हैं वो ये काम करती हैं। इसके अलावा उनके अंदर जो रिटायर्ड जजेस होते हैं, सोशल एक्टिविस्ट होते हैं, या अदर मेंबर ऑफ लीगल प्रोफेशन, और लीगल प्रोफेशन के जो और भी कुछ लोग होते हैं वो वहाँ पर अपनी प्रेजेंस दर्ज कराते हैं। इसका मतलब कि वो भी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। आगे बात समझ में? तो क्या कह रही हूँ मैं कि जो लोक अदालत होती है उसमें जनरली स्टेट या डिस्ट्रिक्ट लेवल की अथॉरिटीज़ होती हैं, वहाँ पर कोई आलतू फालतू लोग नहीं बैठे होते हैं कि किसी को भी बिठा दिया, ठीक है। स्टेट या डिस्ट्रिक्ट लेवल की अथॉरिटीज़ होती हैं। इसके अलावा जो रिटायर्ड जजेस वगैरह होते हैं वो भी वहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं, वहाँ पर पोस्ट होल्ड करते हैं, वो सुनवाई करते हैं और वो डिसीज़न देते हैं। और उनके जो डिसीज़न दिए हुए होते हैं वो पूरी तरीके से लीगली मान्य होते हैं, मतलब लीगली एक्सेप्टेबल होते हैं। ऐसा नहीं है कि लोक अदालत में कोई डिसीज़न दे दिया तो उसका कोई मीनिंग नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं है। पीपल कोर्ट्स जो हैं, लोक अदालत जो है वो पूरी तरीके से लीगल है, जुडिशरी के थ्रू अप्रूव्ड है, और उनके अंदर जो भी डिसीज़न दिया जाएगा वो माना जाएगा, इट मस्ट बी अप्रिशिएटिव, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये कह रहे हैं कि लोक अदालत किस किस चीज़ों से डील करती है। तो देखिए, सिविल केसेस, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स, लैंड डिस्प्यूट, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट एंड लेबर डिस्प्यूट। तो कौन कौन सी बातें आ गई? सिविल, जो कि अपन ने पढ़ा था ना कि क्या कहते हैं, ये ज़मीन वमीन से रिलेटेड मुद्दे होते हैं कि इसने मेरी ज़मीन छीन ली, इसने मेरी ज़मीन हड़प ली। मैट्रिमोनियल केसेस, तलाक चाहिए या किसी को अलग होना है, किसी के घर में डोमेस्टिक वायलेंस होता है। पहले के घरों में, पहले कुछ टाइम पहले बहुत सारी लेडीज़ के साथ बड़ी प्रॉब्लम हुआ करती थी, आज से काफ़ी टाइम पहले 1970s 1980s में, कि जनरली वो डाउरी सिस्टम जो होता है दहेज, उसके चक्कर में लेडीज़ को मार दिया जाता था, कभी जला दिया जाता था, बहुत सारे केसेस आते थे। तो उस टाइप के भी जो केसेस होते हैं कि दहेज के मामले हैं, या फिर किसी को अगर तलाक चाहिए, डिवोर्स चाहिए, या सेपरेशन होना है, तो किसी भी तरीके के जो शादी से विवाह से संबंधित जो मामले होते हैं वो भी इधर आते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स आती हैं कि भाई
इस प्रॉपर्टी में इतना हिस्सा है, मरने वाला मर गया, वसीयत में क्या लिख गया, इस तरीके की प्रॉब्लम चलती रहती हैं घरों में। इसके अलावा फिर आते हैं हमारे लैंड डिस्प्यूट, ज़मीन से जुड़े हुए प्रॉब्लम्स और लेबर डिस्प्यूट्स कि बाल मजदूरी तो नहीं करवा रहे हैं, या फिर दूसरी बात जो पेमेंट मिलना चाहिए वो सही मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ऑफिस में किसी के साथ कोई एक्सप्लॉयटेशन तो नहीं किया जा रहा है। आपको पता है ऑफिस में कैसा एक्सप्लॉयटेशन, मतलब इसका मतलब ये कि कई कई जगह पर ऐसा होता है कि एक ही पोस्ट के लोग हैं, मान लीजिए चार लोग एक ही पोस्ट पर काम कर रहे हैं तो उनकी एक जैसा काम कर रहे हैं तो उनकी सैलरी भी एक जैसी होनी चाहिए, लेकिन कहीं कहीं पर पार्शियलिटी होती है, एक्सप्लॉयटेशन होता है, किसी को ज़्यादा पैसे दिए जा रहे हैं, किसी को कम पैसे दिए जा रहे हैं। तो इस तरीके के जो लेबर डिस्प्यूट्स होते हैं वो भी लोक अदालत में सुलझाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें कोई फीस नहीं लगती है, ठीक है, और ना तो कोई कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर होता है कि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, कि बहुत ज़्यादा पैसे लगता है, इन सब चीज़ों से हमें फ्री हो जाता है इंसान, ठीक है। अच्छा, इसके बाद फिर ये क्या करते हैं कि रेगुलर कोर्ट्स में कितना लंबा प्रोसेस होता है कि पहले आपको एक लॉयर हायर करना पड़ता है, उसके बाद फिर वो आपकी पेटिशन को पढ़ता है, फिर केस को समझता है, फिर अपने हिसाब से पेटिशन मतलब होता है याचिका, रिक्वेस्ट कह सकते हैं हम सरल शब्दों में, ठीक है। जब आप बिल्कुल लॉ के स्टूडेंट बन जाते हो तब तो आपको एक अलग डेफिनेशन मिलती है, पर अभी आपको समझने के लिए काफ़ी है कि पेटिशन का मतलब होता है कि हमने एक रिक्वेस्ट डाली है कि भाई हमारे साथ ऐसा ऐसा गलत हो रहा है, अब आप कृपा करके इसके ऊपर केस करिए, इसकी छानबीन कीजिए और मुझे न्याय दिलवाइए, ठीक है। तो इसे कहते हैं पेटिशन दायर करना। अब पेटिशन आपने दायर की तो उसके बाद फिर लॉयर उसको पढ़ेगा, उसको समझेगा, उसमें मॉडिफिकेशन करेगा, फिर कोर्ट में मामला जाएगा, ढेर पैसे खर्च होते हैं और ढेर ही टाइम लगता है, इन सब से भी बच जाते हैं। क्यों? क्योंकि पे कोई लॉयर वर का चक्कर नहीं, आप डायरेक्ट जजेस से मिल सकते हो लोक अदालत में, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद फिर ऑल प्रोविजन स्पीड अप द प्रोसेस, तो इसलिए जस्टिस जो होता है न्याय फटाफट मिलता है और जल्दी हो जाते हैं काम। केसेस पेंडिंग इन रेगुलर कोर्ट, अब कुछ केसेस जो पेंडिंग पड़े होते हैं रेगुलर कोर्ट्स में, है ना, जो कि नॉर्मल जो कोर्ट्स होते हैं उनमें, उनको भी यहाँ ला के डाला जाता है कि भाई तुम देखो हमारे पास टाइम नहीं है, तो वो भी लोक अदालत में चलते हैं और लोक अदालत में उनकी जल्दी से जल्दी उनकी प्रोसीडिंग्स पूरी करके न्याय दिया जाता है, डिसीजंस लिए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, लोक अदालत फोकस ऑन कॉम्प्रोमाइज़, जनरली लोक अदालत जो होती है वो कॉम्प्रोमाइज़ कराने पे फोकस करती है, मतलब कि किसी को सजा देना, किसी को नहीं देना, इन सबसे बेहतर होता है कि वो ये कोशिश करती है कि दोनों ही पार्टीज़ को बुलाया जाए। कोई भी केस होता है तो दो पार्टीज़ होती है ना, एक जिसने शिकायत की होती है और जिसके लिए शिकायत की होती है, ठीक है। तो इसको हिंदी में वादी और प्रतिवादी कहा जाता है, ठीक। तो भाई जिसने शिकायत की है तो वो पार्टी और जिसकी शिकायत की गई है वो पार्टी, तो दोनों ही जो पार्टीज होती हैं उनमें कुछ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, वो आपस में एक दूसरे की बात समझ लें। अगर मान लीजिए लैंड से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट है तो भी, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट है तो भी आपस में समझ लो, मैट्रिमोनियल मतलब शादी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है उसमें भी आप दोनों एक दूसरे को समझ लो, कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, ठीक से लाइफ जी लो खुशी, वो इस चीज़ पर फोकस करते हैं लोक अदालत वाले, है ना। और ऐसा बहुत कम होता है कि नहीं जी तुमने क्राइम कर दिया है, क्योंकि क्रिमिनल केसेस जनरली इधर आते ही नहीं है। यहाँ पर जो जनरल केसेस आते हैं वो सिविल केसेस ही होते हैं, और इनमें जनरली ऐसा बहुत कम होता है कि किसी को सजा दी जाए बहुत ज़्यादा कठिन या बहुत कठोर दंड दिया जाए। ये लोग ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि ऐसे आपस की समझ से मामले को सुलझा दिया जाए, ठीक है। तो दे फोकस ऑन द कॉम्प्रोमाइज़। लेकिन अगर कभी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है तो फिर ये जो केस होता है वो वापस रेगुलर कोर्ट में भेज दिया जाता है कि भाई ये दोनों पार्टी तैयार नहीं है सुनने के लिए, ये कॉम्प्रोमाइज करने को राजी नहीं है, अब आप जानो और आपका काम जाने। तो वो रेगुलर कोर्ट में, अब वो केस कहाँ चल रहा है, या तो हाई कोर्ट में चल रहा होगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो कोर्ट होता है उसमें चल रहा है, या सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, जहां भी चल रहा है वो वहां पर वापस भेज दिया जाता है, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि अगर कॉम्प्रोमाइज़ बन जाता है, लोग समझ जाते हैं, तो एन अवार्ड इज़ मेड विच इज़ बाइंडिंग ऑन द पार्टी। तो एक अवार्ड दिया जाता है, मतलब जो कि पार्टीज़ को देना होता है, विच इज़ बाइंडिंग ऑन द पार्टी। इट इज़ एनफोर्स्ड एज अ डिक्री ऑफ ए सिविल कोर्ट, और ये सिविल कोर्ट की एक डिक्री की तरह होता है। Another important aspect is that no appeal can be made against the award, as can be done in case of a regular court judgment. और अवार्ड के अगेंस्ट कोई भी अपील नहीं की जाती है, ये ध्यान रखना, ठीक है। जैसे कि हम रेगुलर कोर्ट के जजमेंट में कर सकते हैं अपील, इसमें नहीं की जाती है, सिंस द जजमेंट इज़ थ्रू म्यूचुअल कंसेंट। क्यों? क्योंकि इसमें तो म्यूचुअल कंसेंट,
अब आप बात समझ रहे हो, जैसे मान लीजिए रेगुलर कोर्ट होते हैं, मान लीजिए कि कोई केस हाई कोर्ट में चल रहा है और वहाँ के डिसीजन से जो पार्टीज़ हैं वो एग्री नहीं करती, तो वो क्या करती हैं, अपने से ऊपर उसके ऊपर वाले कोर्ट में अपील करती हैं, ठीक है ना, तो सुप्रीम कोर्ट पहुँच जाते हैं, ठीक। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें जो डिसीजन दे दिया इट विल बी एन अवार्ड, ठीक है, और इस अवार्ड के लिए कोई अपील नहीं की जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ तो कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है ना, तो दोनों पार्टीज़ भाई किसी चीज़ के लिए राजी हुई होंगी, तभी तो कॉम्प्रोमाइज़ हुआ कि चल ठीक है। अगर मान लीजिए कोई लैंड की प्रॉब्लम थी, लैंड से जुड़ी हुई कोई डिस्प्यूट थी, तो उन्होंने किसी ना किसी तरह कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया कि चल ठीक है मैं इस बात पर राजी हूँ, तू इस बात पर राजी, तो किस्सा ख़त्म, केस ख़त्म। अब आगे जाके एक बार जब यहाँ पर डिसीजन हो गया, तो कोई आगे जाके फिर ये नहीं करेगा कि उसी केस को लेकर हाई कोर्ट भाग रहा है या उसी कोर्ट को जाके सुप्रीम कोर्ट में बता रहा है, ऐसा नहीं। एक बार अगर आप कंसेंट का मतलब होता है सहमति, ठीक है, म्यूचुअल कंसेंट मतलब दोनों ही पार्टीज़ ने हाँ बोल दिया है किसी चीज़ पर, किसी डिसीजन पे, तो उसे हम कहते हैं म्यूचुअल कंसेंट। और म्यूचुअल कंसेंट से जब कोई डिसीजन हो जाता है तो फिर आगे के कोर्ट में उसको वापस नहीं लगाया जाएगा, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि ऑल प्रोसीडिंग्स ऑफ अ लोक अदालत आर कंसिडर्ड टू बी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स एंड एवरी लोक अदालत इज इक्वल टू अ सिविल कोर्ट। तो जो भी अदालत का निर्णय होता है, लोक अदालत का, पीपल्स कोर्ट का, वो बिल्कुल लीगल होता है। ऐसा नहीं है कि अगर उन्होंने कोई डिसीजन दे दिया है तो वो तो ऐ ही है, हम तो जाएंगे हाई कोर्ट में, ऐसा नहीं होता। सिविल कोर्ट के बराबर ही लोक अदालत को माना जाता है। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि जैसा कि हमने देखा कि जुडिशरी जो है एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है, इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट ऑफ द स्टेट, इसका मतलब इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन ऑफ द स्टेट मतलब देश का एक बहुत महत्वपूर्ण संस्थान होता है जुडिशरी, है ना। इन केस मैकेनिज्म एंड आर्ट ऑफ गवर्नेंस इज एसेंशियल दैट द कॉमन सिटीजंस फील सेफ। अब इसके बाद क्या होता है कि हमारी जुडिशरी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सभी सिटीजन जो हैं वो सेफ महसूस करें हमारे देश में रहते हुए, ठीक। दे शुड फील दैट द सिस्टम ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल ऑर्डर इज जस्ट एंड फेयर। सिटीजन्स को ये फील होना चाहिए कि वो एक सुरक्षित देश में रहते हैं, वो उनकी जो सरकार है और उनका जो जुडिशियल सिस्टम है वो फेयर है, वो उसमें कोई पार्शियलिटी नहीं है। अगर हमारे को ये विश्वास दिला सकेगी जुडिशरी, तो वही उसका मेन एम है कि अपने देश के नागरिकों को सेफ फील कराए और ये फील कराए कि उनकी गवर्नमेंट और उनकी जुडिशरी बहुत फेयर है, पार्शियलिटी नहीं करती है और सबके लिए एक जैसा न्याय मिलता है। सो लॉन्ग एज पीपल रिपोज देयर ट्रस्ट इन जुडिशियल सिस्टम, ठीक है। एक कहावत कही जाती है कि जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड। अगर जस्टिस देने में, न्याय देने में देरी की जा रही है तो वो न्याय मिलने वाला नहीं है, ठीक है। तो एक सीधी सी बात है कि बहुत सालों तक अगर कोई केस चले और बहुत सालों तक न्याय के लिए, जस्टिस के लिए वेट करना पड़ेगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो इंसान होगा या जो सिटीज़न होंगे देश के, वो बहुत दुखी हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, अग्रीव्ड कहते हैं उसको, अग्रीव्ड हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि भाई पैसा बहुत लगता है और इतने टाइम बाद अगर न्याय मिलेगा तो उसकी प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं होंगी ना। मान लीजिए कि कहीं पैसे की कोई केस आता है ना, किसी ने किसी के पैसे हड़प कर लिए या किसी ने किसी को पैसों से बेदखल कर दिया, उसके पैसे छीन के बैठ गया और सामने वाले को भगा दिया। अब मान लो उसे आज ज़रूरत है पैसों की और उसको मिलेंगे 10 साल बाद पैसे, तो उसे किस काम की? 10 साल का टाइम पीरियड तो उसको परेशानी में गुजारना पड़ेगा, तो उसकी लाइफ कितनी बेकार हो जाएगी। इसलिए जो बहुत देर लगती है कभी न्याय में, तो हम यही कहा, एक कहावत कही जाती है कि जस्टिस डिलेड इज़ जस्ट जस्टिस डिनाइड, मतलब अगर जिस न्याय में इतनी देर लगती है वो फिर न्याय न्याय नहीं रहता, ठीक है। अच्छा, हाउएवर, अब ये भी ये कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी में, अपन ने पहले भी ये बात डिस्कस की थी कि डेमोक्रेसी में और जुडिशरी सिस्टम जो है हमारा, उसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हैं, थोड़ी थोड़ी कमियां हैं, बट स्टिल अभी भी लोगों का पूरा विश्वास है डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट टाइप ऑफ गवर्नेंस सिस्टम एज़ कम्पेयर टू अदर गवर्नेंस सिस्टम, और जो जुडिशरी ऑफ इंडिया है वो भी बहुत रिलायबल है, ठीक है। थोड़ा सा डिले होता है क्योंकि यहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे केसेस हैं। अब हमारी जुडिशरी ने PIL और पीपल्स कोर्ट के थ्रू इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की काफ़ी कोशिश भी की है कि केसेस पेंडिंग ना रहें, बट स्टिल
कुछ प्रॉब्लम्स होने के बावजूद भी जुडिशरी जो हमारी है देश की, वो बहुत रिलायबल है, विश्वसनीय है, मतलब हम उस पर विश्वास कर सकते हैं। थोड़ी देर में ही सही पर इंसान को न्याय, जस्टिस ज़रूर मिलता है। ठीक है, अब आपके केस में, आपकी बुक में दो केस स्टडी दी गई हैं। केस स्टडी क्या होती है मालूम है? कुछ एग्जाम्पल्स केसेस के जो कि हमारे कोर्ट्स ने सुलझाए हैं। तो जब हम लॉ की बात करते हैं, जुडिशरी के लेवल पर बात करते हैं, तो हम केस स्टडी कहते हैं उस चीज़ को कि किसी भी चीज़ की हम स्टडी करेंगे। तो एक केस इसमें दिया हुआ है लक्ष्मण कुमार का, 1980 फरवरी का ये केस है, जिसकी शादी हुई थी 20 साल की सुधा गोयल नाम की एक लेडी के साथ, लड़की के साथ। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि फरवरी 1980 को शादी हुई और 2 दिसंबर 1980, मतलब एक साल भी नहीं गुजरा, और वो जो बंदी थी, वो लेडी जो थी, वो हॉस्पिटल में मर गई थी क्योंकि वो पूरी जल गई थी। ठीक है, तो वहाँ पर जब जांच पड़ताल की गई तो लोगों को पता चला, आस पड़ोस के लोगों से, कि भाई 1 दिसंबर की रात को इनके घर से लेडी की चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी, वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी, और जब हम सब लोग पहुँचे तो उसकी, वो पूरी जली हुई थी, उसकी साड़ी वगैरह सब जल रही थी, एंड शी वॉज स्क्रीमिंग। ठीक है, तो ये कोर्ट जब पहुँचा तो ट्रायल कोर्ट जो था उसने उस लक्ष्मण बंद जो उसके हस्बैंड था, उसको लक्ष्मण जो नाम था, लक्ष्मण कुमार है ना, हाँ जी, और उसकी मम्मी को, लक्ष्मण कुमार की मम्मी को और उसके भाई को, ठीक है, सबको गिरफ्तार कर लिया था, उनको दोषी पाया था, और ये कहा था कि भाई इन्होंने ही अपनी बहू को केरोसिन पेट्रोल डाल के जला के मार दिया है, और ये सब लोग कल्प्रिट्स हैं, दोषी हैं, इसीलिए इनको सजाए मौत दी जाती है, डेथ सेंटेंस सुना दिया था। ठीक है, क्योंकि ये बात प्रूफ हो गई थी, क्योंकि जो लेडी थी उसके जो घर वाले थे उन्होंने बोला कि ये लोग दहेज के लिए हमें काफ़ी पहले से भी दिक्कत देते थे, बार बार तंग करते थे, और फिर इसकी जो सास थी, मदर इन लॉ थी, उसने इसके ऊपर कैरोसिन डाला है, इसके हस्बैंड ने उसको आग लगाई है, और क्या कहते हैं, हाँ, तो इसीलिए ये लोग सबके सब दोषी हैं, इन्होंने ही हमारी बेटी को मारा है। ये किसने कहा था? लड़की के मम्मी पापा ने। तो जब ये बात पूरी ट्रायल कोर्ट में चला ये केस, तो इन्होंने ये डिसीज़न दिया ट्रायल कोर्ट में कि लक्ष्मण कुमार, मतलब उस लेडी का जो पति, उसकी जो सास थी मदर इन लॉ, और उसका ब्रदर इन लॉ, सबके सब दोषी हैं, इन लोगों ने मिलकर इस लेडी को मारा, और इन सबको डेथ सेंटेंस सुनाया जाता है, सबको सजाए मौत दी जाएगी, फांसी होगी। ठीक है, अब उसके बाद लगभग 3 साल बाद 1983 में ये कोर्ट, ये जो मामला था वो हाई कोर्ट में इन्होंने अपील की, तो हाई कोर्ट में पहुंचा। किसने अपील की थी? लक्ष्मण कुमार, उसकी मम्मी और उसके भाई ने, जिनको की सजाए मौत दी गई थी। ठीक है, इन्होंने जब वहाँ पे अपील की, तो हाई कोर्ट में जब ये केस चला, तो वहाँ पे जब पूरी केस की सुनवाई हुई, हियरिंग्स हुई, तो ये डिसीज़न दिया गया कि उस औरत का एक्सीडेंटली हुआ था वो, कि गलती से वो जब दूध गर्म कर रही थी तो गलती से उसकी साड़ी में आग लग गई और वो मर गई, इसमें हमारी कोई, इन लोगों की कोई गलती नहीं, तो उन तीनों को रिहा कर दिया गया था। अब क्या हुआ, ये बात पहुंची विमेन जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, आपको पता है 1980s में औरतों के लिए, लेडीज़ के लिए बहुत अच्छे अच्छे कानून बनाए जा रहे थे, क्योंकि लेडीज़ के साथ डोमेस्टिक वायलेंस बहुत हुआ करता था उस वक्त, ऐसी तरह से जलाना वलाना, किसी को मार डालना, किसी को फांसी पर लटका देना, ये सब केसेस बड़े कॉमन थे। ठीक है ना, तो बहुत सारे जो सोशल एक्टिविस्ट थीं औरतें भी, उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया था, और उन्होंने बहुत सारे, अब जो रूल्स बने हैं वो बहुत अच्छे बन गए हैं, कि अब कोई डोमेस्टिक वायलेंस नहीं कर सकता है। डोमेस्टिक वायलेंस होता है घर में औरतों के प्रति खराब व्यवहार, किसी किसी के घर में औरतों के साथ मार पिटाई होती है, कभी कभी कोई गलत तरीके से बात की जाती है, गालियाँ दी जाती हैं, किसी को मार दिया जाता है जला के, या दहेज के लिए, या उनको अपने घर से पैसे लाने के लिए कंपेल किया जाता है, परेशान किया जाता है, किसी को नौकरी नहीं करने दी जाती, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं ऐसी। ठीक है, तो अब बहुत स्ट्रिक्ट कानून हो गए हैं कि किसी लेडी के साथ अगर किसी घर में इस तरीके की प्रॉब्लम होती है तो वो कोर्ट में जाकर उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलती है। पर उस वक्त की, उस वक्त ऐसी हालत नहीं थी, उस वक्त बहुत लोग इस चीज़ के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, तो विमेन ऑर्गेनाइजेशंस थे बहुत सारे जो औरतों को हक दिलाने के लिए काम कर रहे थे। जब उन्होंने हाई कोर्ट का फैसला सुना तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में बात पहुंचाई। उन्होंने कहा कि ऐसा हो नहीं सकता कि कोई लेडी दूध गर्म कर रही है और उसके कपड़ों में आग लग जाए और वो मर जाए, तो इस केस की सुनवाई वापस से की जाए, इसको वापस ओपन किया जाए, और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अपील की।
सुप्रीम कोर्ट में फिर ये केस चला और सुप्रीम कोर्ट में ये पाया गया कि ट्रायल कोर्ट की बात सही थी, हाई कोर्ट की बात गलत थी, ये तीनों दोषी हैं और इनको फिर मतलब उसका जो ब्रदर इन लॉ था उसको तो छोड़ दिया गया था क्योंकि उसके अगेंस्ट कोई खास सबूत नहीं मिले थे, लेकिन उस लड़की की जो सास थी और उसका जो पति था है ना लक्ष्मण कुमार और उसकी जो मम्मी थी उन दोनों को आजीवन कारावास लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया गया था। लाइफ इम्प्रिजन मतलब जब तक आप जिंदा हो तब तक आपको जेल में ही रहना होगा, तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया गया था और इस तरह से ये केस ख़त्म हुआ था। ठीक है, अब एक और जो केस होता है वो आपके इसमें दिया गया है केस स्टडी सेकंड। इसमें मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और ओल्गा टेलिस करके कोई है तो उनका केस था। अब इस केस में क्या हुआ था, इस केस में ये हुआ था कि जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन था मुंबई का, तो उसने बोला कि भाई जो लोग बस्तियों में रहते हैं, स्लम्स में रहते हैं और पेवमेंट मतलब होते हैं फुटपाथ पे जो लोग रहते हैं इनको यहाँ से हटाया जाए और यहाँ पर कुछ ठीक से बनाया जाए क्योंकि ये लोग तो बहुत गंदी तरीके से रहते हैं और इससे जो बीमारियाँ फैलती हैं वगैरह वगैरह है ना। तो वहाँ पे जो लोग थे उन्होंने बोला कि भाई राइट टू लिव एक अधिकार होता है किसी इंसान का, राइट टू लिव, और वो कनेक्टेड होता है राइट टू लाइवलीहुड। अब इस चीज़ को ध्यान से सुनो, इंटरेस्टिंग है। राइट टू लिव का मतलब उन्होंने ये बोला कि भाई सिर्फ जीने का अधिकार तो आपने दे दिया, लेकिन जीने के अधिकार के साथ साथ जीने के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, कुछ खाने को, कुछ रहने को, कुछ पहनने को भी तो चाहिए, उसे हम क्या कहते हैं आजीविका है ना, कमाने का साधन। तो वो उन्होंने ये कहा बस्ती वालों ने जो स्लम में लोग रहते थे या पेवमेंट्स में रहते थे फुटपाथों पे, तो उनका कहना ये था, उनके लिए जो केस लड़ रहे थे उनका कहना ये था कि भाई अगर आप इन लोगों को यहाँ से हटा दोगे तो इनकी नौकरियाँ चली जाएंगी क्योंकि ये लोग गरीब हैं, छोटे छोटे अपनी नौकरियाँ वोकरियाँ करते हैं, इधर आस पास जाके काम करते हैं, कोई बाई है, कोई ड्राइवर है, कोई ऐसे छोटे छोटे काम करते हैं ये लोग, और ये क्योंकि सिटी में मुंबई में बहुत अच्छे अच्छे घरों में तो रहने की इनकी हालत नहीं है, इनका स्टैंडर्ड नहीं है, इतना पैसा नहीं है इनके पास, तो ये लोग यहीं बस्तियों में रहते हैं, अगर आप ये बस्ती ही तोड़ दोगे तो इनकी नौकरियां भी चली जाएंगी। तो कुल मिला के बात है कि उनके लिए ये कहा गया कि भाई आप एक तरफ तो कह रहे हो कि जीने का अधिकार, राइट टू लिव, और एक तरफ आप इनकी नौकरी ही छीन रहे हो, तो अगर नौकरी पानी ही नहीं बचेगा, इंसान खाएगा क्या, रहेगा कहाँ, पहनेगा कहाँ, तो उसकी तो ज़िंदगी अपने आप ही ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरीके की ये एक डिस्प्यूट थी कि इसमें ये बात कही गई थी कि आप राइट टू लाइफ अगर बात करते हो तो राइट टू लाइवलीहुड उससे जुड़ा हुआ है, अगर किसी की आप ये बात करते हो कि राइट टू लाइफ में क्या कहा गया है कि किसी का कोई ऐसे ही ज़िंदगी ख़त्म नहीं कर सकता, कोई किसी का मर्डर नहीं कर सकता है, कोई किसी की हत्या नहीं करेगा। अगर मान लीजिए आपकी नज़र में कोई इंसान दोषी है, ठीक है, उसने कुछ गलत काम किया है, तो आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप उसको जान से मार दो, क्योंकि मारने का अधिकार सिर्फ ये फांसी देने का अधिकार सिर्फ जुडिशरी में होता है, वो भी किसी कारण से। ऐसा नहीं है कि आज मैंने आपका कोई नुकसान कर दिया, आपको गुस्सा आया, आपने कहा रे इस औरत ने तो हमारा इतना नुकसान किया, इसको मार डालना चाहिए, तो आपने मार दिया, तो आप भी उतना ही क्रिमिनल कहलाओगे जितना कि मैं, ठीक है। तो इससे कहा जाता है कि कोई किसी की ज़िंदगी नहीं ले सकता है, कोई किसी के जीने के अधिकार को नहीं ख़राब कर सकता है, लेकिन यहाँ पर बात ये उठाई गई कि भाई जीने का अधिकार का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं है कि कोई किसी को जान से नहीं मारेगा, ठीक है, अगर आप किसी की नौकरी छीन लोगे, कोई अगर आप किसी का घर छीन लोगे, उसके पास खाने को नहीं होगा, उसके पास कपड़े नहीं होंगे पहनने को, तो भी वो जीते जी मर ही गया ना, तो इस तरीके से तो आपने उसके जीने का अधिकार तो कहीं ना कहीं छीन ही लिया। तो ये डिस्प्यूट इस केस में हुई थी, ठीक है। तो दिस वाज आल्सो अ केस। तो इस तरीके से बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर था, ये चैप्टर ख़त्म होता है और आप इसको एक बार वापस से रीड करो, वीडियो को बहुत अच्छे से ध्यान से सुनोगे तो आपको मज़ा भी आएगा और आपको समझ भी आएगा, ठीक है। सो दिस वाज योर चैप्टर, एज सून एज पॉसिबल विद इन 1 or 2 days यू विल गेट द PDF। तो बस अभी तक वापस मैं एक ही बात कह रही हूँ कि जल्दी से जल्दी काम भी कम्प्लीट करते जाओ और साथ में लर्निंग भी करते जाना, ठीक है, बिकॉज योर एग्ज़ाम्स आर वेरी नियर टू यू, आ ही रहे हैं बिल्कुल मेरे ख्याल से इस महीने के लास्ट तक, ठीक है। तो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, कीप स्टडिंग, वी विल मीट टुमारो विथ अ न्यू चैप्टर। कौन सा चैप्टर देख कर बताऊँगी, आई थिंक वी शुड गो फॉर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इन इंडिया, इट विल बी बेटर, ठीक है ना।
और मैं आपको 20 तक, अगर मान लीजिए आपके एग्ज़ाम 25 से होते हैं तो मैं आपको 20 तक जितना पढ़ा दूंगी उतना आएगा। अगर आपके एग्ज़ाम 1 नवंबर से होंगे तब मैं आपको 25 तक जितना पढ़ा दूंगी, मतलब जब भी आपके एग्ज़ाम हो उसके 5 दिन पहले मैं आपको कुछ भी नया पढ़ाना बंद कर दूंगी, उस वक्त तक जितना पढ़ाऊंगी वो सारा आएगा। ठीक है, तो फटाफट लर्निंग चालू कर दो। ओके, वी विल मीट टुमारो विथ अ न्यू चैप्टर ऑफ सिविक्स एंड अप टू दैट टाइम टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।